लोग बोलते हैं इंडियंस एनवायरनमेंट कॉन्शियस नहीं है. आई डोंट अग्री एट ऑल. भाई हमसे ज्यादा एनवायरनमेंट कॉन्शियस तो कोई हो ही नहीं सकता. आखिर हम किसी चीज के ऊपर से प्लास्टिक तो हटाते ही नहीं ना. गाड़ी भले कोने में खास खास के दम तोड़ रही हो पर सीट्स पे तो ब्रांड न्यू वही कवर होंगे जो पहले दिन थे. मुझे तो लगता है कि हम लोग ना इंडियंस दो बच्चे सिर्फ इसीलिए पैदा करते हैं ताकि पहले के कपड़े ना दूसरे को पूरी तरह से पहना सकें. दिल के अरमान पूरे होते हैं इन लोगों के. मेरे घर में तो ना जो प्लांट्स थे वो भी हेल्दी थे क्योंकि डालडा के डब्बे में उगते थे. किसी भी इंडियन को बोलो पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रही है, उसका रिएक्शन पता क्या होगा? अच्छा आइस मेल्ट हो रही है, चलो अच्छा है मेरी ग्लास में आराम से टूट के आ जाएगी. बस अगर सीरियस बातें किसी को आप डांट फटकार के समझाओगे तो शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही सीरियस बातें छटकारे के साथ तड़के के साथ हंसी खुशी में समझा दोगे तो शायद ज्यादा इम्पैक्ट होगा. बस बहुत कुछ ऐसा ही करती है दिल्ली की स्टैंड अप कॉमेडियन नीति पाल्टा जो इस वक्त हमारे साथ है. नीति, हाउ डिड स्टैंड अप कॉमेडी हैपन? स्टैंड अप कॉमेडी कैसे? एक्चुअली मैं स्टैंड अप कॉमेडी को नहीं हुई, स्टैंड अप कॉमेडी मुझे हो गई. मतलब जैसे खांसी जुकाम लग जाता है ना, मेरे को आई थिंक बचपन से एक हंसी मजाक का तो शौक था. तो भैया से जब मेरे बड़े भाई हैं उनसे पंगे लेने होते थे तो जैसे ही वो बाथरूम जाते थे मैं उनके ऊपर जोक्स वोक्स बना के बाहर खड़े होकर सुनाती थी और वो तड़बड़ बाहर निकलते थे और मैं भागती थी पागलों की तरह. तो मैं एक्चुअली बड़े होकर पीटी उषा भी बन सकती थी पर मैं कॉमेडियन बन गई. अच्छा नीति, आजकल जो वीडियोज वायरल हो जाते हैं कॉमेडी के उन पर बैन लग जाते हैं, FIRs लॉन्च हो जाती हैं, तो क्या जुर्म किया है भला कॉमेडियंस ने? मेरे को तो बहुत फनी लगता है कि भाई कॉमेडियन के अगेंस्ट आप FIR कर रहे हो. कॉमेडियन को अगर आपने प्रिजन में डाल दिया तो उसकी कोई मतलब औकात ही नहीं होगी क्योंकि वहाँ उसको क्या मिलेंगे? क्रिमिनल्स मिलेंगे. एक बोलेगा मैंने ना दो लोगों को मारा, एक बोलेगा कि मैंने ना पूरा एक कॉम को मारा, एक बोलेगा मैंने, पॉलिटिशियन बोलेगा मैंने देश को मारा. बोलोगे तुमने किसको मारा, वो क्या बोलेगा? मैंने सिर्फ जोक मारा. अगर सोशल चेंज की बात करें तो क्या आपको लगता है कि कॉमेडी कैन प्ले अ बिग रोल? क्योंकि अगर कोई हमें प्रीच करे कुछ तो शायद हम उस पर इतना रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हंस खेल के कोई बात बता दे सो मे बी वी विल अंडरस्टैंड इट मोर. थोड़ा सा छेड़ दो, थोड़ा सा उनको खुद का खुद के ऊपर हंसवा दो. जैसे मैं कोई जोक करती हूँ कि हम लोग बाहर खड़े हैं कोई घूर रहा है, या मैं जोक करती हूँ कि यू नो नॉर्थ इंडियन मेन को प्लीज करना कितना आसान है, कभी कभी वो गलती से आपको एक्सीडेंटली ब्रश अप करते हैं और बोलते हैं हाय मजा आ गया. तो मैं ऐसे कोई कोई जोक्स करती रहती हूँ. एंड मेरे को एक्चुअली कुछ लड़कों ने बोला है कि हम लोग कभी सोचते नहीं हैं, इंटेंशन नहीं होती है, पर आगे से और कॉन्शियस रहेंगे. तो माई पॉइंट इज लुक आई एम नॉट अ सोशल सर्विस पर्सन, बट अगर मेरी जोक से आप हंसते हो और आप रोड पे जाके कम हॉर्न बजाते हो, किसी को कम इरिटेट करते हो, या नेक्स्ट टाइम किसी लड़की को घूरते हुए आपको मेरी जोक याद आती है और आप थोड़े से शर्मिंदा होकर कहीं और देखना शुरू करते हो, तो आई हैव डन माय जॉब.